कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने कहा कि अभी हमारा लक्ष्य सरकार बनाना है। नागपुर में हुई कांग्रेस की बैठक में मुख्यमंत्री पर हुए चर्चा पर बात करते हुए रमेश चेन्नीथला ने कहा कि महाविकास आघाड़ी का फोकस बीजेपी को सत्ता से हटाना है। अभी कोई चर्चा नहीं होगी, महाविकास आघाड़ी नतीजे आने के बाद ही उस संबंध में चर्चा करेगी। हमारा लक्ष्य सरकार बनाना है। इस चुनाव में कोई छोटा भाई या बड़ा भाई नहीं है, इस चुनाव में कई छोटी पार्टियां हैं और वे सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। देखिए, महाविकास आघाड़ी की एक ही लक्ष्य है, अभी बीजेपी के सत्ता को हटा करके हमारे सरकार बनने का। हमने पहले भी बोल चुका है, चीफ मिनिस्टर की बात इलेक्शन के बाद हम डिस्कस करेंगे, अभी उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है। कोई कार्यकर्ता, कोई पार्टी का नेता अपना मीटिंग में अंदर अपने वक्तव्य बताया होगा, लेकिन महाविकास आघाड़ी ये निर्णय किया है कि चुनाव के बाद हम चीफ मिनिस्टर के पद के बारे में डिस्कस करें। तिरुपति मंदिर प्रसाद मामले पर बात करते हुए रमेश चेन्नीथला ने कहा कि यह एक गंभीर प्रकार है, लोग आस्था के साथ मंदिर जाते हैं, इसलिए सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। यह तो बड़ी गंभीर मामला है, इसके बारे में तो सोचना चाहिए। तिरुपति में करोड़ों के लोग जा रहे हैं, निष्ठा से जा रहे हैं, इधर जो खबर आ रही है तो अत्यंत दुख की बात है। इसके बारे में लोगों को सरकार बताना चाहिए क्या असलियत क्या है। एनबीसी न्यूज़ के लिए अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।